हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन टीवी पर आने वाले न्यू शो के बारे में। जी हाँ, जो कि बहुत ही जल्द एन टीवी पर शुरू होने वाला है, जिसका प्रोमो लॉन्च कर दिया गया है और जिसके प्रोमो को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। उस शो का नाम है यीशु। जी हाँ, मैं यीशु शो की बात कर रही हूँ। यानी कि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो कि बहुत ही जल्द एन टीवी पर स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले भी ये डीडी नेशनल पर आता था, जो कि बहुत पहले आता था, और अब ये फिर से शुरू होने वाला है एन टीवी पर एक नए स्टार कास्ट के साथ, एकदम न्यू फेसेस के साथ ये स्टार्ट होने वाला है शो। तो इस प्रोमो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें स्टार कास्ट में आखिर कौन नज़र आएगा। तो चलिए स्टार कास्ट पर नज़र डाल लेते हैं। स्टार कास्ट में सबसे पहले बात करते हैं रुद्र सोनी के बारे में। जी हाँ, रुद्र सोनी को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जो कि बालवीर और बाजीराव जैसे शो में नज़र आ चुके हैं। और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दर्पण के बारे में। जी हाँ, दर्पण श्रीवास्तव नज़र आने वाले हैं शो में, जो कि वो निगेटिव किरदार निभाएंगे यीशु शो में। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि लीड रोल में नज़र आएंगे चाइल्ड एक्टर विवान शाह। जी हाँ, ये यीशु का किरदार निभाने वाले हैं शो में, और यीशु के फादर के किरदार में नज़र आने वाले हैं आर्य धर्मचंद, जो कि यीशु के पिता बनेंगे। और वहीं नेक्स्ट बात करते हैं यीशु की माता के बारे में, तो उनकी मदर के किरदार निभाने वाली हैं सोनाली निकम। इनके अलावा चाइल्ड एक्ट्रेस नज़र आने वाले हैं, जो कि यीशु के फ्रेंड्स के रोल में नज़र आएंगे माहिर रघुवंशी और सार्थक मोहन। ये है यीशु शो की स्टार कास्ट, जो कि आपको जल्द देखने को मिलेगी एन टीवी पर। और बता दें इसकी रिलीजिंग डेट, तो ये 22 दिसंबर से रिलीज़ होने वाला है और इसका फर्स्ट प्रोमो रिलीज़ कर दिया गया है। सो आप लोगों को इसका बहुत प्यार मिल रहा है शो का। सो देखते हैं कितना ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर ये एक हिस्टोरिकल शो है, हिस्टोरिकल ड्रामा शो है, जहाँ पर आपको यीशु के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। आपको बता दें, जब नेशनल टीवी पर ये शो आता था तो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था ये शो। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब इसका नया वर्जन आप लोगों को कितना पसंद आता है, जब ये फिर से एन टीवी पर एक बार नए तरीके से शुरू किया जाएगा।